हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि जो भी डेटा हमारा होता है, कई बार वायरस इन्फेक्शन के कारण डेटा हिडन हो जाता है पेन ड्राइव और ड्राइव में, तो उसको कैसे शो करना है, यानी कि अनहिडन करना है। तो इसके लिए पहले हम सीखेंगे कि कैसे बैश फाइल बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैश फाइल बनाएंगे। देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम रख सकते हैं हम शो हिडन डेटा। ओके, इसको ओपन कीजिए, इसमें लिख देना है हमें एट्रिब -H -A -A और डी लग के स्लैश डी लिखना है, स्लैश एच लिखना है। ओके, उसको फाइल में जाना है हमें और सेव एज में जाना है। उसके बाद इसमें ऑल फाइल सिलेक्ट कीजिए और बाद में इसके बाद .bat करके उसको सेव कर दीजिए। ओके, तो हमारी बैश फाइल यहाँ पर रेडी है, आप देख सकते हैं। इसको कॉपी कीजिए, फिर बाद में जो भी आपके डेटा हिडन हुए हैं पेन ड्राइव या किसी भी ड्राइव में, उसको पेस्ट कर दीजिए। अब कमाल देखिए कि मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ और कैसे सारे डेटा शो हो जाते हैं। उसको डबल क्लिक करना है, ओके, देख सकते हैं कि सारे डेटा यहाँ पर शो हो गए हैं। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।